लाडो बेटा, लाडो, क्या हुआ लाडो? बोल बेटा क्या हुआ? क्यों रो रही है? वो अम्मा, क्या हुआ अम्मा को? किसने मारा इसको? तेरा बाप तो नहीं आया था? चल पुलिस के पास चल। लो बेटा बाय। क्या हुआ साहब? मेरी बहन का कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया? किसने कर दिया? साहब इसके शोहर आजम ने। साहब वो लाडो को वनी करके उसके बदले में शादी करना चाहता था, और साहब 2-3 दिन पहले उसने मुझे मारने की धमकी भी दी थी। अकबरी कहाँ है? मुझे नहीं पता, वो मेरे साथ नहीं रहती। तेरी बहन और तेरे को ही नहीं पता? कब तक छुपेगी मुझसे वो? जब तूने उसे तलाक दे दी तो उसकी मर्जी, वो जहां चाहे रहे। ओए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो कहीं भी रहे, मेरी लाडो उसके पास है, और उससे कहना शराफत से मुझे वापस कर दे, ताकि तो उसको वनी करके अपनी शादी कर सके। ओए मेरी बेटी है वो, जो चाहे मैं उसके साथ करूं। तू होता कौन है? ओए मामू उसका मामू, समझा ना, होश में रह तू। जाओ भाई यहाँ से, जाओ, ये लड़ने की जगह नहीं है। देख अभी भी मैं तुझे शराफत से समझा रहा हूँ, मेरी लाडो मुझे वापस कर दे, वरना तेरा और तेरी बहन का मैं वो हाल करूंगा, याद करेगा तू। ओए चला जा यहाँ से, चला जा मैं कह रहा हूँ। लाश कहाँ है? साहब तो घर पर है। चलो चल गाड़ी निकालो। पुलिस को इत्तला मिली थी कि उनके इलाके में किसी नामालूम शख्स ने घर में घुसकर एक तलाक याफ्ता खातून अकबरी को बड़ी बेदर्दी से छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया था। वारदात के वक्त मकतूला की 13 साल लड़की लाडो भी घर के दूसरे कमरे में मौजूद थी। लड़की के मुताबिक वो माँ की चीख सुनकर पहुंची तो उसने माँ को खून में लथपथ जमीन पर गिरे हुए देखा, जबकि कातिल फरार हो चुका था। मकतूला के भाई रफीक ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि मकतूला को उसके साबिका शोहर आजम ने कत्ल किया है। एम्बुलेंस को फोन करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजो। बेहतर। मुद्दई के मुताबिक दोनों मियां बीवी के दरमियान लड़की लाडो की सरपरस्ती के हवाले से तनाज़ा चल रहा था, और मुल्ज़िम लड़की को हवाले ना करने की सूरत में संगीन नतायज की धमकियाँ देता रहता था। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा कर नामजद मुल्ज़िम आजम को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। हाँ भाई, ये बताया उसने? सर बहुत झूठ है, सारी चीज़ें मान रहा है पर कत्ल नहीं मान रहा। कत्ल कैसे मानेगा, उसे पता है ना सीधा फांसी घाट जाऊंगा। सर आपको पता है जो बंदा मेरे हाथ के नीचे आता है, जिसने कत्ल नहीं भी किया वो मान जाता है। इसका पिछला रिकॉर्ड कुछ मालूम किया? नो सर, कुछ भी नहीं। इलाके के लोग क्या कहते हैं? सर कुछ खास मालूमात नहीं हुई। देखते हैं, मतलब अगर इसने किया है तो इसका बाप भी मानेगा। लाओ सर। मैं लेके आता हूँ सर। हेलो जी सर, सलाम अलैकुम। हाँ सर, उसी केस की तफ्तीश कर रहा हूँ। जी सर। हाँ सर बिल्कुल। जी 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 सर। जी जी ठीक ठीक है।
लो सीधा खड़ा हो। इसी छुरी से कत्ल किया ना तुझे? खुदा की कसम साहब, मैंने कत्ल नहीं किया। मैं अपनी बेटी कसम खाता हूँ साहब, मैं कसूर हूँ, मुझे छोड़ दो साहब। किस बेटी की कसम खा रहा है तू, जिसे अपनी अय्याशी की खातिर भेंट चढ़ाना चाहता तू? और जब उसकी माँ इस मामले में रुकावट बनी, तूने उसे ही मौत के घाट उतार दिया। बेगैरत, तू अपनी अय्याशी की खातिर अपनी बेटी को वनी करना चाहता था? साहब ये तो हमारा रिवाज है साहब, सभी करते हैं साहब। सब नहीं करते, तू जैसे बेगैरत और बेशर्म करते हैं, खुद गर्ज करते हैं, अपने मजहब से ला इल्म करते हैं, अपनी दीन और दुनिया दोनों खराब करते हैं। मुझे क्या पता बेटी क्या चीज है। तेरा कत्ल से बड़ा जुर्म यह है कि तू अपनी शादी के लिए अपनी बेटी को वनी करना चाहता था। साहब मुझे माफ कर दे साहब, साहब मुझसे गलती हो गई साहब, मैं सब कुछ सच बताऊंगा साहब। बता दे क्यों मेरा खून पी रहा है, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं अपनी एक रिश्तेदार बेवा गुलाम से प्यार करने लगा था साहब, हम दोनों फिर मिलने लगे थे साहब। आज बहुत देर कर दी तूने, खैर तो है? हाजा मैं तुमसे रोज मिलने नहीं आ सकती, घर में मैं क्या बहाना करती रहूं? तो फिर हम मिलेंगे कहाँ पर? ये मेरे सोचने की तुम्हारे सोचने की बात है, वो तो मेहरबानी है तुम्हारे दोस्त कादर की, जो उसने हमें मिलने के लिए घर दिया हुआ है। वह कादर तो अपना यार है। बरादरी में तुम्हारी और मेरी बातें होने लगी हैं। किसी को क्या पता? हाजम मैं बेवा हूँ और बेवा औरत पे बदनामी का दाग फौरन लगता है। देखता हूँ कौन तेरे पे उंगली उठाएगा। मैं तुझसे शादी करूँ? तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो आजम, तुम पहले से शादी शुदा हो। ये तो क्या हुआ, कोई मर्द हूँ मैं, चार चार शादियां कर सकता हूँ। तुम कर सकते हो ना, मैं तो नहीं कर सकती ना। क्यों, मुझसे प्यार नहीं करती? तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ अकेली, पर तुम्हारी बीवी के साथ नहीं। तू फिकर ना कर, इसको भी अलहदा कर दूंगा, तेरे खातिर अगर इसको छोड़ना भी पड़ा ना छोड़ दूंगा। अगर तू कहे तो तेरे भाइयों से बात करूं शादी के लिए। तुम्हें मालूम है ना, बरादरी में लड़की के बदले लड़की देनी पड़ती है, और मैं अपने भाइयों के लिए कोई इतनी बेकदरी नहीं हूँ कि तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ ऐसी मुफ्त में दे देंगे। तुम्हारे पास क्या है जो तुम मेरे भाइयों को दोगे? सच्ची बात है अकबरी, देख मैं तुझे हमेशा अपनी छोटी बहन समझती हूँ, इसलिए तुझसे झूठ नहीं बोल सकती। बस इतनी सी बात है, तू जरा आजम की लगाम खींच के रख। तो पीछे ही रह, आज तुम इसकी आग बुझा दे रही। तू भी हट जा। तुझे कहाँ रह बैठे था? और चुप कर तू और घर चल। तू बैठ आराम से, देखता हूँ उसे मैं। तुझे तो मैं देख लूंगी। तू तो जानता है अच्छी तरह बिरादरी के रस्म और रिवाज को, मुझे देने के लिए तेरे पास है क्या? भाई आप ही बता दे। चल तेरे हालात देखते हुए, अच्छा कर तू मुझे 5 लाख रुपए दे। जल्दी जल्दी धो ले बर्तन, घंटा हो गया तुझे ये करते हुए, अभी कपड़े भी धोने। मुझसे नहीं धुलते कपड़े, आप खुद धो लिया करें कपड़े। जितनी तेरी जबान चलती है ना, इतने हाथ चला लिया कर। इससे ज्यादा तेज हाथ मेरे नहीं चल सकते, आपको जल्दी है तो खुद धो लिया करें। तू फिकर ना कर, तेरा जंग तो मैं उतारूं। अस्सलाम वालेकुम, क्या माँ बेटी ने शोर मचा रखा है? वालेकुम सलाम, बहुत दिन बाद आई हो साबरा। बस क्या बताऊं, टाइम ही नहीं मिलता। आंटी अनिला कैसी है? ठीक है बेटा, तुम्हें बहुत याद कर रही थी। शुरू हो गई तुम्हारी बातें, अब जाके काम कर लो। कर लूंगी काम, कौन सा मेहमान आ रहे हैं, और वैसे भी आंटी तो इतने दिनों बाद आई हैं। चल खाला से 2 मिनट बात कर लेगी तो तुझे क्या। तू इसको छोड़, चला अंदर बैठते हैं, और ये चावल मैंने चुन दिए, इनको पानी में भिगो दे। और सुना क्या हाल है तेरे? सच पूछो तो आज मैं तेरा हाल पूछने आई हूँ। मैं तो ठीक हूँ।
और आजम कैसा है? वो भी ठीक है। ना आजम तेरे साथ कैसा है? हाँ ठीक है, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ना बाजी कोई तो बात है। सच्ची बात है अकबरी, देख मैं तुझे हमेशा अपनी छोटी बहन समझती हूँ, इसलिए तुझसे झूठ नहीं बोल सकती। वरना दुनिया का क्या है, कुछ भी कहती रहे, हमें इससे क्या? अब बताएगी भी कि क्या बात है? बस इतनी सी बात है, तू जरा आजम की लगाम खींच के रख, वरना बहुत पछताएगी। क्यों क्या हुआ? तू गुलाबों को जानती है? अरे वो तो तुझे ये सारी बातें किसने बोली? मुझे कौन बोलेगा, अरे कादिर के घर जाते ही। हाँ कादिर के घर तो जाता है। तू जानती है ना गुलाबो कितनी तेज है, अरे उसने ही तेरे मियाँ को फंसाया होगा। मर्दों पे एतबार नहीं करना चाहिए। अरे मैंने तो ये भी सुना है कि ये लोग शादी करना चाहते हैं। अगर ये सारी बातें सच हुई ना तो तू देखियो मैं उस गुलाबो के साथ क्या करूँगी। मुझे अपनी कब्र में जाना है, सच बता रही हूँ। अगर यकीन ना आए ना तो कादिर के घर जाकर देख ले, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अच्छा तो मैं अब घर चलती हूँ, मुझे जरा काम है। आजम एक बात कहूँ? हाँ बोल। आजम अब इस तरह छुप छुप के मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता, जो कुछ करना है बस अब जल्दी कर लो। हाँ मैं अकबरी से बात करूंगा, अगर वो मान गई तो ठीक है, वरना फिर मैं खुद ही आ गई। जो बात करनी है मुझसे यही कर ले। तू यहाँ क्यों? तू आ सकता है, ये तुझसे मिलने आ सकती है और मैं नहीं आ सकती? अकबरी जबान संभाल कर बात कर तू। इसको शर्म नहीं आती, अपना शोर तो खा गई, अब मेरे शोर के पीछे पड़ी हाथ धोके। ए जो बोल रहे आजम को बोल, मुझसे बदतमीजी नहीं करना। मुझसे बदतमीजी की ना तो अच्छा नहीं होगा, वरना क्या कर लेगी तू? आजम ये जरा संभाल कर, तू यहाँ आई क्यों है? तो पीछे ही रह, आज तुम इसकी आग बुझा कर रहोगी। तू बैठ जा। तुझे कहा ना बैठ जा, और चुप कर तू और घर चल। तू बैठ आराम से, देखता हूँ से मैं तुझे। तो मैं देख लूंगी। अरे जा संभाल ले आजम इसको, आई पड़ी मुझे संभाल लेगी तू चुड़ैल। अब बोल तू वहाँ आई कैसे? सारा जमाना जानता है तू कादिर के घर क्यों जाता है। तुझे किसने बताया? जिसने भी बताया गलत नहीं बताया। किसने बताया तुझे? क्यों लगती है वो तेरी? तुझे बताया किसने? मैं तेरे सारे करतूत जानती हूँ। घर पे कौन आया था बता मुझे। नहीं बताऊंगी। बोल नहीं बताएगी तू मुझे? हाँ नहीं बताएगी मुझे? अबू वो सावरा आंटी। अच्छा तो ये आग सावरा ने लगाई है? झूठ नहीं बोला उसने। क्यों जाता है तू गुलाबों के घर, क्या लगती है वो तेरी? हाँ हाँ मैं जाऊंगा, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, समझी तू? मैं भी देखती हूँ तू कैसे जाता है। अच्छा तू मुझे रोकेगी अब? हाँ तू मुझे रोकेगी? मर्द हूँ मैं, मर्द, चार शादियां कर सकता हूँ मैं, समझी तू? मैं सारे जमाने को बता दूंगी तेरे उस गुलामों के करतूत। सारी दुनिया को तू करतूत बताएगी मेरे? मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। पुलिस के मुताबिक नामजद मुल्ज़िम ने इकरार किया कि वो गुलाबों से मोहब्बत करने लगा था और हर हाल में उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जब अकबरी ने हंगामा खड़ा किया तो उसने तेश में आकर अकबरी को तलाक देकर घर से निकाल दिया था। भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बोलो। भाई मैं गुलाबों से बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ,
तू तो पहले से शादीशुदा है। भाई मैंने उसको तलाक दे दी गुलाबों के खाते। आजम तू तो जानता है अच्छी तरह बिरादरी के रस्म रिवाज को, मुझे देने के लिए तेरे पास है क्या? भाई आप ही बता दे। चल तेरे हालात देखते हुए अच्छा कर तू मुझे 5 लाख रुपए दे। भाई इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। फिर तो तू गुलाबों को भूल जा। भाई कोई बीच का रास्ता नहीं? देख भाई आजम तेरी बेटी है लाडो, उसकी शादी तू मुझसे करा दे, मैं अपनी गुलाबों का हाथ तेरे हाथ में दे दूँ। भाई आपसे? वो तो भी 15 साल की है। हाँ इस तरह वनी की रस्म भी हो जाएगी और मेरी बहन तेरी, तेरी बेटी मेरी हो जाएगी। बोल। मैं ये समझती हूँ कि कहीं ना कहीं आजम भी किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा था जो उसने ऐसा डिसीजन लिया, क्योंकि एक नॉर्मल हेल्दी इंसान इस तरह के डिसीजंस नहीं ले सकता कि अपनी 13 साल की बच्ची का रिश्ता 50 साल के आदमी के साथ कर सकता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर लालच या गर्ज या जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, उसकी थॉट्स और इमोशन नेगेटिव इतने बढ़ गए थे कि उसने इस हद तक ये फैसला किया। देखता हूँ उसके साथ कैसे शादी नहीं करेगी। हाँ जबान चलाएगी मेरे से। आजम गुलाबों के चक्कर में अपनी बेटी लाडो को दे रहा है उसके भाई को। क्या? तेरी माँ का कत्ल हुआ है, तू घर में मौजूद थी, तुझे पता है कत्ल किसने किया, वरना मैं तुझे जेल में बंद कर दूंगा। अब्बा चाय। अब्बा मुझे अम्मा की बहुत याद आती है। अरे तू फिकर मत कर मेरी लाडू, जब तेरी शादी हो जाएगी ना फिर मजे से नई जिंदगी शुरू करना। अब्बा मैं उस बुड्ढे से शादी नहीं करूंगी। क्या? कैसे नहीं करेगी तू? जबान दिए मेरा उसे। अब्बा जबान दिए या मेरा सौदा किया है? क्या कह रही है? सौदा? देखता हूँ तू उसके साथ कैसे शादी नहीं करेगी। हाँ जबान चलाएगी मेरे से, जबान चला दी मेरे से। अब्बा आप मुझे जान से मार दे लेकिन मैं उस बुड्ढे से कभी शादी नहीं करूंगी। याद रख जान से मार दूंगा तेरे को मैं, शादी तुझे उसी से करनी पड़ेगी, समझे तू? नामजद मुलजिम के मुताबिक चूंकि बात फैल चुकी थी इसलिए उसने फौरी तौर पर गुलाबों के घर वालों से मिलकर गुलाबों के बदले अपनी 13 साल बेटी लाडो की शादी गुलाबों के उम्र रसीदा भाई से करने पर रजामंदी जाहिर कर दी थी। पुलिस के मुताबिक चूंकि ये बात जबान जद आम हो चुकी थी इसलिए ये खबर अकबरी तक जा पहुंची। सलाम आपा। वालेकुम सलाम। तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। तुमको कुछ पता है आपा? क्या? आजम और गुलाबों की शादी तय हो गई है। उस गुलाबों के चक्कर में ही तो उसने मुझे बर्बाद किया है। ये तो मुझे पता था, खुदा गुलाबों को भी ऐसे बर्बाद करे। इसका भाई मान गया है, आजम गुलाबों के चक्कर में अपनी बेटी लाडो को दे रहा उसके भाई को। क्या? ये मैं नहीं होने दूंगी। तुझे किसने बताया? अरे भैया उस मोहल्ले में, सब मुझे बता दिया है। ये नहीं हो सकता, ये मैं नहीं होने दूंगी। आजम तू ऐसा नहीं कर सकता। मेरा भाई, तू पता कर जिस वक्त आजम घर पर ना हो, तू पता कर ना मेरा भाई, तू पता कर। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वो मेरी बच्ची है, मैं कैसे छोड़ दूँ उसे। तू पता कर, तू मुझे बता। मेरी बहन सबर कर, तू बैठ मैं तुझे समझाता हूँ। अभी भैया एक मिनट रुकिएगा, मैं भी आ रही हूँ। अम्मा आप यहाँ? बेटा तू मेरे साथ चल। कहाँ?
तू मेरे साथ चल, तेरा बाप तेरे साथ बहुत ज्यादती कर रहा है। ये तेरी बुड्ढे से शादी करा देगा अपनी महबूबा के चक्कर में। तू आ जा मेरे साथ। मगर अब्बा, तू छोड़ उसे, तू चल मेरे साथ। मैं कपड़े लेके आती हूँ। बेटा चलना, तू जिद मत कर। तू कपड़ों को छोड़, मैं तुझे कपड़े दिलाऊंगी। तू आ जा मेरे साथ, आ जा। वो आ गया ना तो अजाब हो जाएगा। उनके जो साइको डायनामिक फैक्टर्स थे वो सारे इस वजह से प्रॉब्लमेटिक होते गए कि उनको हेल्दी रिलेशनशिप नहीं मिला, एक अच्छा घर का माहौल नहीं मिला, बेटी को वो तमाम ज़रूरियात जो बाप का प्यार चाहिए था वो सब उसकी नीड्स फुलफ़िल नहीं हुई हैं। तो ये सारी जो नीड्स फुलफ़िल नहीं हुई तो उसकी वजह से उसकी बीवी और बेटी दोनों के अंदर बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डिवेल्प हो गए जो आगे चल के उनके लिए मसला बने। साहब, मेरी बहन मौजूदगी में लाडो को लेकर चली गई थी। साहब तू इतना सीधा है कि खामोश होकर बैठ गया? नहीं नहीं साहब, मैं रफी के घर गया था साहब, वो वहां भी नहीं थी साहब, कहीं और ही चली गई थी साहब। और जब तुझे पता चला तूने वहां पहुंचकर उसे कत्ल कर दिया? नहीं नहीं साहब, नहीं, मैंने उसे कत्ल नहीं किया। कसम साहब, मैंने उसे कत्ल नहीं किया साहब। कौन कत्ल कर सकता है उसे? उसकी किसी से क्या दुश्मनी है? साहब, साहब मुझे शक है। साहब उसे रफीक ने कत्ल किया है साहब। मैं रफीक अपनी बहन को क्यों कत्ल करेगा? साहब अकबरी की मौत के बाद लाडो के बदले कुछ शादी करना चाहता था साहब। अगर लाडो ने कह दिया कि तूने कत्ल किया है तो? नहीं नहीं साहब, वो ऐसा नहीं कह सकती साहब, अब उससे पूछ ले साहब। पुलिस की सख्ती के बावजूद नामजद मुल्ज़िम आज़म ने गुलाबों के साथ अपने ताल्लुकात का एतराफ करते हुए अपनी गलती तस्लीम तो कर ली, लेकिन वो मकतूला अकबरी के कत्ल से इनकारी था। उसने शक जाहिर किया था कि हो सकता है रफीक ने अपनी लालच में बहन को कत्ल कर दिया हो। पुलिस उलझन का शिकार हो गई थी कि मकतूला अकबरी का कातिल कौन था, उसका साबका शोहर आज़म या फिर उसका सगा भाई रफीक। पुलिस का ख्याल था कि ये वट्टे सट्टे की गैर इस्लामी रस्म कुछ भी करा सकती थी। बिलाखिर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि कातिल कोई भी हो लाडो को जरूर पता होगा, क्योंकि वही वाही चश्मदीद गवाह थी। देख बेटा, जो भी सच है ईमानदारी से बता दे, तेरी माँ को किसने कत्ल किया है? तेरे बाप ने या तेरे मामू ने? देख बेटा, चुप रहने से कोई फायदा नहीं होगा। तेरी माँ का कत्ल हुआ है, तू घर में मौजूद थी, तुझे पता है कत्ल किसने किया, वरना मैं तुझे जेल में बंद कर दूंगा। देख बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुझे कुछ हो, तू मेरी बेटियों जैसी है, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे बाप जैसा नहीं हूं, मैं तेरी मदद करना चाहता हूं। क्या हुआ था? शाबाश, मेरी माँ और मेरा बाप दोनों अच्छे नहीं थे। तू कहना क्या चाहती है? मेरा बाप मेरे बदले शादी करना चाहता था, और मेरी माँ ने मेरे मामू के साथ मिलकर मुझे बेच दिया था। क्या कर रही है मेरी बेटी? कुछ नहीं अम्मी, चाय पी रही थी। बेटा इतना मत सोचा कर अपने बाप के बारे में, देखा ना उसने तेरे साथ क्या किया, ना तेरा सोचा ना मेरा, उस गुलाबों से शादी करने चला है। मेरा बच्चा तू अपना खून मत जला, तेरी माँ तेरे लिए कभी बुरा नहीं चाहेगी। क्या बात हो रही माँ बेटी में? कुछ नहीं भाई, बस ऐसी। जा बेटा लाडो, तेरा मामा को चाय तो पिला अच्छी सी। अभी लाती हूँ। बाजी, एक रिश्ता लाया हूँ। किसके लिए? अरे अपनी लाडो के लिए। तो
मामू का रोल है, उन्होंने भी उनका साथ दिया। बजाय इसकी तो उसकी वालदा को समझाते या कोई रोल प्ले करते तो उन्हें बताते कि सही और गलत में उन्होंने गलत चीज़ में उनका साथ दिया। तो पूरे जो भी इस स्टोरी में जितने भी रोल करेक्टर्स हैं वो सब एक दूसरे को नेगेटिव चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। अम्मा कोई खास मेहमान आ रहे हैं क्या? हाँ खास ही हैं। क्या खास बात है उनमें? तेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं। मेरे रिश्ते के लिए? क्यों, तू शादी नहीं करेगी? जल्द से जल्द तेरी शादी हो जाए वरना तेरा वो बाप दिन ब दिन फड्डे बढ़ाए चला जा रहा है। तेरा मामू तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया है, ऐश करेगी तू ऐश। तेरे मामू के साथ आते ही होंगे वो लोग। अब तू जाके कपड़े बदल ले। मैं जाऊं? हाँ हाँ जा, और जरा सुर्खी पाउडर भी लगा लेना। जा। ये क्या कर रही है? अम्मा वो चिकन साफ कर रही हूँ। तू इसे छोड़, उठ के शरबत निकाल। माशाल्लाह। सलाम कर बेटा। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी ये हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। अच्छा आप लोग बैठें, मैं भी आती हूँ। जी जी। अरे लाडो ये क्या कर रही है? अम्मा वो चिकन साफ कर रही हूँ। तू इसे छोड़, उठ के शरबत निकाल, मैंने फ्रिज में बना के रख दिया था। चल उठ जा जा। शाबाश जी। और क्या लेंगे आप, चाय लेंगे या ठंडा? जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है आपा पहले बात निपटा लेते हैं, खाना पीना तो हो जाएगा बाद में। जैसे आपकी मर्जी, रफीक ने आपको बता ही दिया होगा। मेरी लाडो सिर्फ नाम की लाडो ही नहीं, मैंने बहुत लाड प्यार से पाला अपनी बच्ची को। वो तो उसका बाप जरा सही नहीं है, इसलिए मैंने बहुत कम उम्र में उसकी शादी करने का फैसला किया है। मेरा ख्याल है आपा पहले लाडो को ले आओ, फिर बातचीत कर लेंगे बैठ के। ठीक है, देखना दिखाना कर लो, मैं बुला लेती हूँ। शरबत निकाल दिया तूने ग्लास में? जी अम्मा। अब जल्दी से सर पे दुपट्टा ले और ये लेके मेरे साथ आ जा। माशाल्लाह। सलाम कर बेटा। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही सआदतमंद है मेरी बेटी, पूरा घर संभाला हुआ है, बहुत सुख दिया है इसने मुझे। अम्मी मैं जाऊं? बैठो चली जानी। बेटा तुम जाओ, मैं फिर बुला लूंगी। घर का सारा काम इसी ने संभाला हुआ है, बहुत सुख दिया है इस बच्ची ने मुझे। कैसे लगी मेरी भांजी? मैंने तेरे से कोई बात झूठ नहीं बोली थी। ठीक है ठीक है। देखो नजीब, बात मैं साफ करती हूँ, पूरा पूरा 1.5 लाख रुपए लूंगी। 1.5 लाख तो बहुत ज्यादा है जी। लड़की भी देख कितनी कम उम्र मिली है तुझको, और शक्ल सूरत तो तूने देख ही ली है, हजारों में एक है। वो सब तो ठीक है, मैं 1 लाख रुपए दे सकता। अपनी उम्र देखो, ऐसा हीरा नहीं मिलेगा। उम्र ज्यादा है तभी 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, वरना जवानी में तो वैसी ही मिल जाती। चल चल ठीक है, 1,25,000 में डन हो गई। अब ये बता निकाह कब करेगा? एक हफ्ता तो लगेगा। रकम मैं निकाह से 2 दिन पहले ही लूंगी। मेरा ख्याल है अगला इतवार ठीक रहेगा, 4 आदमी लेकर आ जा। और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा, इतवार की बात पक्की है ना? भाई हमारी तरफ से तो बात पक्की ही समझो।
बात तो तय हो गई है, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। हाँ भाई, शॉपिंग भी तो करनी है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, ये लो 25,000। उसके बाप ने उसका ख्याल नहीं किया तो माँ ने भी ख्याल नहीं किया, ठीक है। बाप से सिर्फ बचा के जो लाई थी, उस वक्त पता नहीं उनके दिमाग में वो क्या सोची थी कि जो वो वहाँ से उसे लेकर आई थी। अगर वो उसे बचा ही रही थी उस वक्त 50 साल के आदमी से, अगर बचाया तो फिर यहाँ लाकर वो उसकी इसको पैसों से बेचने वाला काम नहीं करती ना। इससे ये समझ में आता है कि इसकी अपने जो है फैक्टर्स थे इस खातून के, लाडो की माँ के, उसके भी कोई अपना न्यूरोकेमिकल जो इनबैलेंस हो जाता है जो लीड करता है डिप्रेशन को, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स का वो शिकार हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया। बेटा क्यों रो रही है? देख तेरी बात पक्की हो गई है, ले मुंह मीठा कर ले, एक हफ्ते बाद तेरी शादी है। किससे पक्की हो गई? तूने लड़का नहीं देखा, मुझे नजीब आया था। अम्मा, वो लड़का था या लड़के का बाप? अरे बेटा, जरा सी उम्र ही तो ज्यादा है, और मर्दों की ज्यादा उम्र होने से क्या फर्क पड़ता है? ना बिजनेस है उसका सब्जी मंडी में, ऐश करेगी तू। अब्बा, मुझे नहीं करनी उससे शादी, मुझे नहीं करनी कोई ऐश। देख बेटा, तेरी शादी की शॉपिंग के लिए कितने सारे पैसे लेकर गया है वो। अब्बा, मुझे नहीं करनी शादी। अम्मा, अभी पैसे उसे वापस ले आए। ये क्या कह रही है तू? पैसे वापस कर दूं? ऐसे शरीफ रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। अम्मा, मैं अपने बाप की उम्र के बाद इसे कभी शादी नहीं करूंगी। जबान से लाती है, बहुत हो गया। नहीं करनी मुझे शादी, नहीं करनी। नहीं करेगी? तेरा तो बाप भी करेगा, और अगर इनकार किया ना तो तेरी जबान थे से निकाल दूंगी। बेच रही आप मुझे, पैसे लिए आपने मेरे, अब मेरे सब सुन लिए। सुन लिया तो सुन लिया, तेरा बाप भी तुझे बेच रहा था उस गुलाबों के चक्कर में। मैं तुझे अपने सीने पे बिठा के नहीं रख सकती, समझी तू? चली जा मेरी नजरों के सामने से। अब दीदे फाड़ के क्या देख रही है, दफा हो जा यहां से। आई बड़ी शादी नहीं करूंगी, चली जा। वो ये भी कर सकती थी कि किसी एनजीओ से रابطہ करती, वो पुलिस को बताती या किसी और से हेल्प मांगती, अपने एरिया में किसी से मदद मांगती, मगर उसने नहीं किया क्योंकि अवेयरनेस इतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। तो उसे अपने राइट्स का पता होना चाहिए था कि राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या तरीका होता है ना। कमसिन मुल्जिमा लाडो ने अपनी माँ मकतूला अकबरी के कत्ल का एतराफ़ करते हुए बताया कि उसकी माँ उसे एक बूढ़े शख्स के हाथों बेच देना चाहती थी। मुल्जिमा ने रोते हुए बताया कि वो अपनी माँ को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसे इतना गुस्सा कैसे आ गया। मुल्जिमा लाडो के मामू रफीक का कहना है कि मकतूला अकबरी को खौफ था कि आजम लाडो को वापस ले जाएगा, इसलिए वो जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहती थी। जबकि इन्वेस्टिगेशन अफसर का कहना है कि रफीक ने अपनी मकतूला बहन के साथ मिलकर लाडो का सौदा तय किया था, दोनों लालच में आ गए थे और रकम हासिल करना चाहते थे। पुलिस ने मुल्जिमान को हिरासत में लेकर चालान बनाकर अदालत में पेश कर दिया। खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निजामे जर को अब बर्बाद होना चाहिए। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिबे औलाद होना चाहिए।